गुड्स के साथ साथ कुछ इंफ्रा स्टॉक्स भी देखिए जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं जीएमआर वगैरह देखिए पर भी अच्छा एक्शन यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल और, बिल्कुल आप, आप देखिए बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्लेवर में अमूमन नहीं रहते हैं या फिर अपनी स्टीम को थोड़े खो चुके थे आज वो भी एक्शन में लौट आए आप हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन देखिए एस को एन देखिए आप सात आठ ये दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं दस परसेंट ऊपर है इनफैक्ट एस और एन में सात आठ के आसपास का उछाल है कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर बस कर रहे हैं शेयर छोटे जो शेयर हैं शेलबी हॉस्पिटल यहां पर वेलियत ने आधे परसेंट हिस्सेदारी ली है लेकिन शेयर आज देखिए दस परसेंट ऊपर है कहीं ना कहीं निवेशकों को यह लग रहा है कि अब जब इतना बड़ा निवेशक अगर शेयर खरीद रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रिगर होंगे इसके चलने के लिए इसके अलावा ओरियंट पेपर जेंटेक ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जहां पर हम तेजी का मोमेंटम आज देख रहे हैं संतोष जिन शेयरों का हमने जिक्र किया आपको लगता है कि इनमें से एक दो शेयर आप को लगता है कि अभी और चलेंगे अगर समय दिया जाए या फिर अगर फ्रेश बाइ की जाए तो कौन से स्टॉक का नाम लिया शेलबी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जेंटेक एनबीसीसी okay. यस सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टॉक की बात करें तो इसमें काफी स्टॉक है लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टॉक में अभी कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन की बात तो दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्शन कंस्ट्रक्शन एक। इक्विपमेंट उस स्टॉक में एक एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है तो इस स्टॉक पे नजर रखना चाहिए ये एक इन्वेस्टमेंट पिक भी रहना चाहिए और एज ए ट्रेडिंग से भी आप लेते हो तो इमीडिएटली मुझे चार तक के टारगेट नजर आते हैं और ऊपर में अगर कोई थोड़ा सा लंबा रख सकता है तो शायद आने वाले समय में हमको सात रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है दूसरा स्टॉक

मशीनरी और एक्शन कंस्ट्रक्शन में लग रहा है कि अच्छी तेज़ी दिखेगी और लंबी अवधि के लिए अगर आपको रखना है तो यहाँ से डबल रिटर्न भी एक्शन कंस्ट्रक्शन में दिख सकता है मुझे याद भी है 2013-12 के आसपास अभिषेक एक्शन कंस्ट्रक्शन 10 से 15 के बीच में घूमता था और वहाँ से देखिए किस तरह की रैली दिखी है पिछले साल भर हालाँकि साल भर अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो चार परसेंट रफली ये शायद मूव uh, होगा ये शेयर डबल हो गया है पौने दो सौ रुपए के आसपास का भाव था अगर पिछले महीने भर में भी अगर आप देखेंगे तो तीस परसेंट के सॉलिड रिटर्न्स हैं जबकि बाजार अपनी दिशा खोजने की भी कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली जो कंस्ट्रक्शन uh, वाले जो स्टॉक्स है कंस्ट्रक्शन और जहां पर कैपिटल गुड्स का मेल है वहां तो और बढ़िया तेजी दिख रही है हाँ, बिल्कुल जिस जिस तरह से जिस तरह से से इमर्जिंग मार्केट मार्केट में में खासकर इंडिया जैसे सरकार का फोकस बढ़ा है इंफ्रा स्पेस में उसका फायदा इन कंपनियों को भी मिल रहा है क्योंकि ये हर जगह छोटे छोटे शहरों में भी ऐसा मौजूद है इनके इक्विपमेंट हर जगह दिख सकते हैं कल है तो। या परसों हम किसी बड़े फंडामेंटल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे तो इसको वीआईपी शेयर के तौर पर भी रिकमेंड किया गया था एस को लेकिन